हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एकेएमटी कोर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, जिसका डायगोनल ए सी और बी डी जो है वो ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है यदि एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी 70 डिग्री है और एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी 30 डिग्री है, तो हमको फाइंड क्या करना है, एंगल बी सी डी। तो हमको सबसे पहले फाइंड करना है एंगल बी सी डी, मतलब ये पूरा वाला एंगल, ठीक है ना, ये पूरा एंगल, ठीक, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। उसके बाद बोला है फर्दर इफ यदि ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के साथ, तो हमको फाइंड क्या करना है, एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी। कुल मिला के पहले ये पूरा फाइंड कीजिए, उसके बाद ये वाला एंगल फाइंड कीजिए, छोटा वाला, ठीक, या दोनों में से कोई भी सबसे आप पहले फाइंड कर सकते हैं। आइए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पास थ्योरम 10.9 अप्लाई करेंगे, ठीक। सबसे पहले गिवेन लिख लेते हैं, उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं। गिवेन 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 में क्या दिया है कि एंगल एंगल बी सॉरी डी डी बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, उसके बाद एंगल एंगल बी ए सी इक्वल टू हमारा 30 डिग्री है, ये है, ठीक। अब हमको फाइंड क्या करना है, ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को, ठीक। तो सबसे पहले थ्योरम 10.9 अप्लाई करेंगे यहाँ पास। तो थ्योरम 10.9 को मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद अप्लाई करता हूँ। थ्योरम 10.9 ये बोलता है कि अगर किसी सर्कल में, ठीक है ना, किसी सर्कल, मान लीजिए यहाँ पास हमारा एक सर्कल है, ठीक, उसमें किसी सेम सेगमेंट से, सेम सेगमेंट मतलब मान लीजिए कि हमारा जो बी सी है क्या है, एक सेगमेंट है, यानी लाइन सेगमेंट है, ठीक। अगर सेम सेगमेंट से दो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, मतलब दो एंगल मतलब समझिए इसी बेस से, मतलब इसी सेगमेंट से एक एंगल ए बन रहा है और एक एंगल डी बन रहा है, ठीक, अगर बन रहा है तो वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना, मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के साथ, ये थ्योरम 10.9 बोलता है, ठीक। बी सी हमारा क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक, यही लाइन सेगमेंट से दो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, ये थ्योरम 10.9 से हुआ है, ठीक। तो यहाँ पास मैं लिखूंगा बाई थ्योरम 10.9 बाई थ्योरम 10.9, ठीक है ना, आप ही का बुक का है थ्योरम 10.9। तो यहाँ पास 30 डिग्री है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट 30 डिग्री, ये हमारा कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पास मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एंगल एंगल, इसको लिख कर लिखता हूँ एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी, ठीक है ना, ये वाला एंगल एंगल सी डी बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना, ये थ्योरम 10.9 से हुआ, ठीक। अब देखिए, अब थ्योरम 10.9 अप्लाई कर लिया, उसके बाद हम ये वाला अप्लाई करते हैं, मतलब ये जो हमको गिवन में दिया है ए बी इक्वल टू बी सी, ये भी हमको दिया है, यहाँ पास मैं लिखना भूल गया, आप लिख लीजिएगा गिवन में, तो ए बी बी सी के इक्वल है, ठीक है ना। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी ठीक है ना, अब इन ट्रायंगल ए बी सी में ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ए बी है वो इक्वल है बी सी के साथ, ठीक। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है ना, तो उन दोनों साइड का जो अपोजिट एंगल है वो भी आपस में इक्वल होता है। जैसे ए बी का देखिए, ए बी साइड किससे इक्वल है, बी सी के, तो ए पी साइड का अपोजिट एंगल ये वाला एंगल बना और बी सी साइड का अपोजिट वाला ये वाला एंगल बना, ठीक है ना। तो ये दोनों जो एंगल है वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना, ये बोलता है थ्योरम, थ्योरम नहीं मतलब ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बोलती है, ठीक। तो मैं यहाँ पास लिख सकता हूँ कि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, ठीक, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है। इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, तो उन दोनों साइड का जो अपोजिट वाला एंगल है, जैसे ए बी, ए बी का अपोजिट एंगल ये बना, ठीक, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ ए बी का अपोजिट एंगल, उसको मैं नाम देता हूँ बी ए सी बी लिख देता हूँ ए सी बी, ठीक है ना, ए बी साइड का अपोजिट एंगल ये बना और बी सी का ये वाला बना, ठीक। तो इस वाले का खुद ही नाम है बी ए सी,
बी एंगल बी ए सी, ठीक। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, 30 डिग्री हो जाएंगे। क्यों 30 डिग्री हो गए, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये वाला तो ऑटोमेटिक 30 डिग्री है, तो ये वाला भी 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला जो है इसका भी वैल्यू आएगा वो एंगल ए सी बी, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। शायद आपको कैमरा में दिख रहा होगा ये डिग्री है, ये हुआ 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री। अब हम फाइंड करते हैं जो हमको फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले अब ट्रायंगल फिर देखिए बी सी डी में, यहीं पास मैं लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। अब उसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी ये बोलता है कि तीनों एंगल को जोड़िए वो, और वो जो तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ पास मैं इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को मैं जोड़ दूंगा, मतलब एंगल बी एंगल सी एंगल डी को अगर मैं सम करूँगा। अब एंगल बी में आप इधर वाले को मत लीजिएगा, पहले मैं बताया था इतना ही लीजिएगा, 70 डिग्री लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको तीनों को जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक। तो मैं यहाँ पास ऐड करूँगा इन दोनों में, इसमें मैं लगाया ट्रायंगल लो, ठीक है ना। अब यहाँ पास एक ये भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है और ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो इसमें मैं ऐड करूँगा एंगल। सबसे पहले ये इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को बोलते हैं डी बी सी, ठीक है ना, प्लस उसके बाद ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल का नाम बी सी डी है, एंगल बी सी डी, ठीक। प्लस इस वाले एंगल का नाम, इसका मैं सी सी डी बी या बी डी सी भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पास मैं उसका वैल्यू लिखा हूँ सी, हाँ ये एंगल सी डी बी, ठीक है ना। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहीं पास देखिए इसको बी डी सी भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर जहाँ जो एंगल वाला जो पॉइंट है ना वो बीच में आना चाहिए, कहने का मतलब ये होता है, ठीक। तो इन तीनों का जो सम होगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री, ये 180 है, ठीक। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, डी बी सी 70 डिग्री है। अब ऊपर लिखूंगा ये वाले को लाइन को लिखकर, और इसका वैल्यू देखिए बी सी डी, बी सी डी इसको हमको फाइंड करना है, इसका वैल्यू ऐसे मैं लिख देता हूँ बी सी डी, मतलब फाइंड करना है तो वही लिख दूंगा, ठीक। ये कितना दिया है, ये कितना हमको मिला है, 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। और मैं ऊपर वाले को मिटाने जा रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं या अगर आप नोट डाउन नहीं किए हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब 70 प्लस 30 आप ऐड कीजिए और उसको माइनस कीजिए 180 में, वही इसका वैल्यू आएगा, ठीक है ना। आप ऐड कीजिए कॉपी पेन से, तो आप 70 प्लस 30 जब ऐड करेंगे तो आएगा 100, ठीक है ना। देखिए 70 ये डिग्री है, 70 प्लस 30 100 आया। अब 100 को उधर साइड ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो 180 माइनस 100 तो आ जाएगा 80, ठीक है ना। यहाँ पास इसको यहाँ पास सॉल्व कर रहा हूँ, एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब इन दोनों को मैं ऐड किया हूँ तो आया है 100, तो यहाँ पास 100 माइनस करूँगा 100 डिग्री, ठीक है ना, ये 100 डिग्री है। तो यहाँ पास एंगल बी सी डी ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, यही हमको फाइंड करना था, ठीक है ना। यहाँ पास एंगल बी सी डी मतलब बी सी ओ डी, समझिएगा बात को, बी सी डी यही हमको फाइंड करना था, ये आ गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पास यही हमको यहाँ पास टू फाइंड लिखा था, मैंने उसको मिटा दिया, ये हमारा पहला नंबर सॉल्व हुआ। अब दूसरा नंबर में हमको एंगल ई देखिए ई सी सॉरी ई सी डी, ठीक है ना, इस एंगल को फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा, बहुत अजीब समस्या है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इस एंगल में, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल ये है हमारा 80 डिग्री का, ठीक। अब पूरे में से जो इतना एंगल है
मान ली मानना क्या है, ये 30 डिग्री का है, ठीक। ये पूरा जो एंगल है, ये एंगल जो बी सी डी, ये पूरा एंगल है 80 डिग्री का, ठीक। और जो इतना एंगल है, ये वाला जो एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब बी सी ई जो है, बी सी ई जो बी सी ई है वो है 30 का, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, 80 में से 30 को माइनस कर दूंगा, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पास बी सी डी, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दो टाइप में लिख सकता हूँ, मतलब देखिए कैसे लिखता हूँ, इसको मैं लिखूँगा बी सी ई, एंगल बी सी ई प्लस ई सी डी, एंगल ई सी डी इक्वल टू 80 डिग्री। कुल मिला के बात को समझिए, एंगल बी सी डी ये पूरा एंगल है, ठीक। अब यहाँ पास ये जो ई सी है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इक्वल बोल दिया मैं गलती से, क्षमा चाहता हूँ, इसको ये क्या कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो दोनों पार्ट को अगर मैं ऐड करूँगा तो फुल पार्ट मिलेगा हमको, तो वही मैं किया हूँ, दोनों पार्ट को ऐड किया हूँ, इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट, मतलब ये 30 वाला पार्ट और यहाँ पास ये क्वेश्चन मार्क दिया हूँ इधर वाला पार्ट को, ठीक। तो इसका वैल्यू देखिए, बी सी ई, बी सी ई, ठीक है ना, बी सी ई, बी सी ई, बी सी ई का वैल्यू मैं अभी फाइंड किया हूँ क्या, खैर उस मैं शुरू में ही फाइंड कर दिया था, 30 डिग्री यहाँ पास लिखा है, तो यहाँ पास हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। और ये हमको फाइंड करना है प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल ई सी डी इक्वल टू 80 माइनस 30 डिग्री, ठीक। तो हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर एंगल ई सी डी इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक। और यही हमको फाइंड भी करना था, ठीक, कि एंगल ई सी डी का जो वैल्यू है वो कितना होगा, ये हमको फाइंड करना था और हमने फाइंड किया था, ठीक है ना, कर दिया हमने फाइंड, ठीक है ना। पहला नंबर में ये फाइंड करना था, दूसरे नंबर में इसको, तो पहले नंबर में 80 आया और दूसरे नंबर में 50 आया, और यही हमारा फाइनल आंसर भी है। तो आप हेंस करके लिख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।